नमस्कार, जय श्री राम। तो आज आप लोग को मैं लेके चलने वाला हूँ एक पुरानी विरासत की तरफ से, जो यूएसएसआर का एक बहुत पुराना हिस्सा रहा है, निजनिन वगैरह। और मेरी एक ऑफिशियल मीटिंग है वहाँ पर, तो मेरी मीटिंग के साथ साथ मैं आप लोग को मैं यात्रा भी कराऊंगा और कुछ बिजनेस ओरिएंटेशन पर्पज से भी आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि आप कुछ कर सकते हैं उस क्षेत्र में या आपके लिए किस तरीके से सहूलियत रहेगा। तो चलते हैं, आपको यात्रा कराते हैं आज निजनी नॉर्गे। आप लोग आखिर तक वीडियो जरूर देखते रहें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और आप अपने रिव्यू जरूर हमें लिखे, अपने कमेंट लिखे, ताकि हमें पता भी चले। निकल चुके हैं सेंटर से एसबीओ एयरपोर्ट के लिए, जिसकी दूरी लगभग है 25 से 30 किलोमीटर के आसपास में। डिपेंड करता है हमारे ड्राइवर के ऊपर कि कौन सा रूट इस्तेमाल करते हैं। अब आपको बता दें कि सामान्यतः यहाँ की कुछ विशेषताएँ, यहाँ का एक ऐप है इंडेक्स टैक्सी ऐप, अगर आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी चीपेस्ट रहेगा। कोई भी हो, अगर आप बिजनेस ट्रेवलर हैं या आप टूरिस्ट के लिए आए हैं या आप किसी और ऑफिशियल अनऑफिशियल पर्पज़ के लिए आए हैं, आप अगर टैक्सी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ केसेस में जहाँ तक मैंने अनुभव किया है कि आपको टैक्सी की आवश्यकता हो सकता है ना पड़े। पर हाँ, कभी कभी क्या होता है कि आप एक बिजनेस पर्सन होते हैं तो आपको करना पड़ता है किसी रीज़न के कारण, तो आप इंडेक्स ज़रूर डाउनलोड करें। इंडेक्स डाउनलोड करने के बाद में आपको जिस प्रकार हमारे यहाँ ओला है, उबर है, उसी तरीके से इंडेक्स भी है और आपको बताएगा कि कितनी भुगतान आपको करनी है, कितना किलोमीटर है और समय कितना लगना है। तो फिलहाल अब हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट की ओर और मॉस्को सेंटर से होकर हम निकल रहे हैं। तो सेंटर कौन नहीं देखना चाहेगा, दिखाते हैं आपको मॉस्को सेंटर। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं श्रमित्सियोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका पूरा नाम है श्रमित्सियोवो अलेक्जेंड्रा एस्पूस्किन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए रशियन कितना अजीब है, इनके नाम भी कितने अजीब हैं। तो फिलहाल अब हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे। मैं थोड़ा आपको जानकारी दे दूँ, ये पड़ता है किम की मॉस्को ओब्लास्ट में और ये हब है एक तरह से एरोफ्लोट के लिए, नॉर्विंद एयरलाइन के लिए, पेगस फ्लाई के लिए, पोबेबा के लिए, रशिया एयरलाइंस के लिए, रॉयल फ्लाइट के लिए। और यहाँ तक बताया जाता है कि ये पब्लिक के लिए जब ओपन किया गया था, उससे पहले ये सोवियत यूनियन का एयरफोर्स का बेस हुआ करता था। आपको बता दें कि 11 अगस्त 1959 को, ठीक आज के 60-65 साल पहले, इस एयरपोर्ट को पब्लिक के लिए खोला गया था।
सामान्यतः आप लोगों ने एयरपोर्ट पे अलग अलग वेंडिंग मशीन देखी होगी। आपके सामने जो दिख रहा है ये किसी सामान का वेंडिंग मशीन नहीं है, किसी ड्रिंक का वेंडिंग मशीन नहीं है, ये है आपके मास्क का वेंडिंग मशीन। ये कोविड ना जाने क्या क्या करवाएगा हम लोगों से। तो फाइनली हम एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं सिक्योरिटी चेकिंग के बाद में। अभी जिस जगह पे हम जा रहे हैं वो काफ़ी पुरानी जगह है, आपको मैंने बताया था हेरिटेज प्लेस है, पर ऐसा नहीं है वो टेक्नोलॉजी से अछूता है। परंतु मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं कैश कैरी करूं, और मेरे पास कुछ इंडियन रुपीज़ थे, तो फ़िलहाल मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर मनी एक्सचेंज काउंटर जहाँ पर जाकर हम मनी एक्सचेंज कर सकें। तो शायद मुझे सामने दिख रहा है यहाँ पर हमारा पैसा एक्सचेंज हो सकता है, तो लेट्स सी। तो फाइनली हम एक्सचेंज काउंटर पे पहुँच गए। मैडम टेलीफोन पे भेजी थी, उन्होंने एक मिनट का समय मांगा। फिर हमने पूछा क्या मैडम यहाँ पर हो सकता है इंडियन रुपीस एक्सचेंज, तो मैडम ने साफ मना किया कि मैं यहाँ पर सिर्फ यूरो लेती हूँ। पर मैंने बाद में उनको दिखाया कि स्क्रीन पे देखिए आप इंडियन रुपीस की वैल्यू तो है और यहाँ पर होना भी चाहिए, पर मैडम ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ पे स्क्रीन पे है ज़रूर पर मैं फ़िलहाल कर नहीं सकती, मैं इस समय करेंसी एक्सचेंज या एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ इंडियन रुपीज़ के साथ में, तो फ़िलहाल मेरे पैसे एक्सचेंज नहीं हो पाए, सो कार्ड ही पेमेंट करना पड़ेगा। Let's go for the boarding. Okay. अरे तो कट जाएगा। ओके ओके सी बा तो अभी हम हैं SVO मॉस्को एयरपोर्ट पे, और जितने की कहते नहीं मुर्गी नहीं उतने के तो मसाले लग गए हमारे, और हमारा जो हाल हुआ है बता नहीं सकते। हमने एक एक व्यक्ति का 5,000 रूबल हमने पे किया, किस लिए? कारण ये था कि जो यूरोपियन एयरलाइन होती हैं उनका रूल ये होता है कि भाई आप 10 किलो से ज़्यादा आप लगेज नहीं कैरी कर सकते, 15 किलो से ज़्यादा लगेज नहीं कैरी कर सकते। हालांकि हमारे पास लगेज कुछ ज़्यादा था, हमने डिसाइड किया था कि हम एयरपोर्ट पे कुछ लगेज कम कर देंगे या फेंक देंगे, पर जब हम बोर्डिंग पे पहुँचे तो हमें पता चला कि मैडम ने सारा फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी है, और उन्होंने बोला कि ऐसा है कि अभी हमने आपकी फॉर्मेलिटीज़ कर दी है और आपको पे करना पड़ेगा। तो हालांकि बात वही हुई, जितने की मुर्गी नहीं उतने का मसाला। तो आप कभी भी यूरोप में ट्रैवल करते हैं थोड़ा सा आप लोग को मैं नॉलेज दे दूँ आपके साथ कि आप लगेज ज़्यादा कैरी करने का प्रयास ना करें। 10 किलो 15 किलो हार्डली आप लगेज लें अपने साथ में, इससे ज़्यादा लगेज ला लें, अन्यथा आपको बहुत हसल फील होगा, आपको अन्यथा के पैसे भुगतान करने पड़ेंगे एयरपोर्ट पे, कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा लिया जाता है। मैंने अन्य एयरलाइन में भी सफ़र किया है, तो वहाँ पर क्या होता है प्रति किलो के हिसाब से चार्ज करते हैं, लेकिन इस एयरलाइन का जो फॉर्मेलिटीज था या जो भी उनकी प्रक्रिया थी वो ये थी कि भाई अप टू 30 किलो तक का हम आपको स्लिप काट के देंगे, आपके पास 1 किलो हो चाहे आपके पास 10 किलो एक्स्ट्रा हो आपको हम अप टू 30 किलो तक देंगे। उन्होंने कीमत हमसे वही लिया, हालांकि थोड़ा सा कष्ट लगा पैसा भुगतान करते हैं। अब हमारा वायुयान उड़ान भरने को तैयार है, सभी यात्रीगण अपने गंतव्य स्थानों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ अपने सीट पे, फिर दिखाता हूँ आपको अंदर का वातावरण।
तो हमारा वायुयान अब निकल चुका है नोवगोरोड के लिए। अब हम पहुँच कर आपको अपडेट देंगे। आगे की वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि अगले वीडियो में जो होने वाला है वो कुछ इंटरेस्टिंग है और आपको समझ में आएगा कि क्या है वास्तव में पुराना सोवियत।